कैसे हैं आप सब, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज है फ्राइडे, फ्राइडे के बज रहे हैं दिन के 3, हाँ 3 बज रहे हैं। मैं उसको सारांश को सुला के तब आई हूँ, तो मैंने सोचा ब्लॉग स्टार्ट कर दूँ। और ये देखिए, ये जो भी स्मूथनिंग कराई थी उसका असर अब खत्म हो चुका है, जो नेचुरल हेयर है वो आ रहे हैं। और ये मुझे बहुत गंदे लगते हैं जब ये ऐसे रहते हैं। अभी धीरे धीरे आप देखते जाना कमाल जो इनकी असली वो है ना, असलियत है जो बालों की, वो निकल के आएगी। जैसे जैसे ये बढ़ेंगे वैसे वैसे टेढ़े मेढ़े यहाँ तक दिखने लग जाएंगे। पर ये नीचे से तो अभी सीधे ही हैं। चलो कुछ ना कुछ तो होगा ही, अब मैनेज करना पड़ेगा। बिल्कुल जैसा हम चाहते हैं वैसा ही नहीं चलेगा लाइफ में, कुछ ना कुछ तो भगवान के ऊपर, मतलब भगवान जो करता है वो भी सहना ही पड़ता है। और आज मैंने लगाया है आईलाइनर, जो कि मैं लगाती नहीं हूँ अपने व्लॉग्स में, पर मैंने आज लगा लिया है। मुझे लगाना पसंद तो है, अच्छा लगता है बहुत ज़्यादा। पहली बात तो मुझे लगाना ही नहीं आता है ढंग से, इसको भी मैंने बड़ी मुश्किल से 15 मिनट लगा के लगाया है। और दूसरा मैंने इसीलिए नहीं सीखा क्योंकि जो मेरी आँखें ना बहुत ज़्यादा मुझे बेकार लगती हैं, क्योंकि जो ये चीज़ है ना बिल्कुल मतलब ढलकी हुई है। तो जैसे आईलाइनर लगाओ तो पहले ऊपर ही सारा का सारा खराब ऊपर ही लग जाता है पूरा आईलाइनर, फिर उसे साफ करते रहो और दिखता भी नहीं है कुछ। अभी तो मैं ऐसे ऐसे करके दिखा रही हूँ ना आप लोगों को, तो ये दिख रहा है। जब मैं ऐसे नॉर्मली बैठ जाऊँगी तो ये देखो बिल्कुल कवर कर लिया है आईलाइनर को, ऊपर इसने बिल्कुल कवर कर लिया है। अब कोई फ़र्क ही नहीं है लगाऊँ ना लगाऊँ, इसलिए मैं लगाती ही नहीं, वरना मुझे अच्छा तो बहुत लगता लगाना। तो आज मैं सोच रही थी कि आपके साथ मैं शेयर करती हूँ अपना पर्स कलेक्शन, जो भी मेरे पास स्लिंग बैग्स हैं या फिर पर्स हैं छोटे छोटे या बड़े बड़े हैंड बैग हैं मेरे पास। मैं पहले ही बता देती हूँ ऐसे कोई वो नहीं है, मतलब बहुत अच्छे अच्छे ब्रांडेड आइटम्स मैंने रखे हों, ब्रांडेड बैग्स मैंने रखे हों। मेरे को जो जहाँ दिखता है वो मुझे पसंद आ जाता है और मैं ख़रीद लेती हूँ। बस मुझे इकट्ठे करने का शौक है, पर ऐसा कुछ नहीं है कि मैंने ब्रांडेड रखे हुए हैं, सब मिक्स तरीके के हैं। तो पहले तो सबसे पहले तो ये जो बहुत 4-5 साल पहले ऐसे चलते थे ऐसे ऐसे पर्स, बड़े बैग में रखना बहुत ईजी रहता है ऐसे पर्सेस को। अभी ये बेचारे खाली हैं क्योंकि एक टाइम पे मैं एक ही रखती हूँ, वरना ऐसा होता ना आजकल बहुत जगह पे सब अपना आधार कार्ड वोटर कार्ड इम्पॉर्टेंट होता है, चाहिए होता है, इसलिए मैं सब एक ही जगह पे रख लेती हूँ, तो ये बाकी सब खाली रहते हैं। कलर मुझे ये बहुत पसंद आया था, सेकंड भी पर्पल, ये भी पहले चलते थे, ये भी बेचारा अंदर से खाली है। छोटे छोटे पर्स तो मेरे पास बहुत सारे हैं। थर्ड भी ऐसे डॉट डॉट रेड डॉट डॉट में, ये भी 3-4 साल पुराना ही है, ये भी खाली है मैं सब में बताती रहूँगी ना, ये भी खाली है क्योंकि मैं इनको अभी यूज़ नहीं कर रही हूँ, ये ऐसे ही बस शौक चढ़ता है ले लिया बस फिर रख दिया, तो इसलिए। ये कलर भी बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था, रेड बिल्कुल एकदम ब्लड रेड। उसके बाद है ये तो मैंने अभी 1 साल ही हुआ है इसको लिए हुए, और ये लॉक वाला पर्स है, ये मैंने अपने मायके में लिया था। पर्स तो मैं वहीं से ही लेती हूँ, यहाँ से मैं बहुत कम शॉपिंग करती हूँ। जो भी वैसे तो मुझे जो भी सामान चाहिए होता है, कपड़े पर्स जो भी चीज़, मैं वहीं से ही लेती हूँ, यहाँ से मैं बहुत कम लेती हूँ। क्योंकि मैं कब से मनीष के पीछे पड़ी हुई हूँ, मुझे पल्टन मार्केट ले चलो, मुझे जाना है पर ना उन्हें टाइम लगता है, और संडे को हमारे पास टाइम होता है, संडे को देहरादून बंद रहता है, इसलिए अभी तक कुछ प्लान नहीं बन पाया है। वैसे तो मैं गई हूँ पल्टन मार्केट 2-3 बार गई हूँ, ज़्यादा नहीं गई हूँ, 2-3 बार गई हूँ, पर मतलब वैसे नहीं गई ना जैसे सुबह चले जाओ पूरे दिन भर घूमते रहो, मतलब एक एक दुकान छानने वाली, पर हम एक दिन में मुझे लगता है कवर भी नहीं कर पाएंगे क्योंकि वो बहुत बड़ा मार्केट है, बहुत ज़्यादा वैरायटी है वहाँ पे, हर चीज़ A to Z चीज़ें आपको वहाँ पे मिल जाएंगी। हाँ तो मैं ये पर्स बोल रही थी, मुझे ऐसे कलर के पर्स बहुत पसंद आते हैं, लाइट लाइट बिल्कुल। तो ये लॉक वाला पर्स है, जब सारांश छोटा था तो क्या करता था
जैसे जिप वाले पर्स होते हैं ना, वो खोल के नोट निकाल के फाड़ देता था अगर उसके हाथ पर्स लग गया। तो मैंने सोचा मैं ऐसे लॉक वाला पर्स ले लूँ, यहाँ पे एक चाबी लगती है, जैसे बंद हो जाता ना यहाँ पे चाबी लगती है सेंटर में, तो वो चाबी से खुलता था। पर हमें नहीं पता था हमारे बच्चे हमसे दो कदम आगे होते हैं आगे हैं, तो वो यहाँ से ही ऊपर से ही चेन को खोल देता था और यहाँ से बीच में से पैसे से खींच खींच के निकालता था। तो मतलब है मेरा लॉक वाला पर्स लेने का आइडिया भी फ्लॉप हो गया। वैसे तो ये अच्छा पर्स है, पीछे भी इसके चेन हैं, अंदर भी इसके काफ़ी सारी 3-4 ये कार्ड होल्डर हैं, ये इसकी चाबी है, ये कार्ड होल्डर हैं काफ़ी सारे, बीच में ये जिप है और एक इधर है। है तो वैसे बहुत अच्छा पर्स, पीछे भी जिप है, पर वही है ना, फेल कर दिया आइडिया मेरा सारांश ने। तो आजकल ऐसा होता है कि सारांश को हैंडल, जैसे मैं कहीं घूमने जाती हूँ उसको हैंडल करने के चक्कर से मैं ऐसे पर्स कैरी नहीं करती हूँ। जब बच्चे बड़े हो जाएं तब ये करने कैरी करने का फ़ायदा है, जो मतलब ध्यान इन्हीं पे रहे। अभी तो ऐसा होता है सारांश कहीं भाग जाता है, उसके पीछे भागने के लिए मुझे स्लिंग बैग ही लेना पड़ता है, इनसे काम नहीं चलता है, तो इसलिए एक ये है। उसके बाद है ये मेरा करंट पर्स, ये वाला मैंने अभी लिया है, 2-3 महीने ही हुए हैं इसको, तो इसका भी मुझे बहुत अच्छा लगा था कलर। ये भी मैंने अपने मायके से लिया था, कलर और जिप है बाहर इसके, यहाँ पे हम कुछ भी रख सकते हैं, जैसे चिल्लर नोट छोटे मोटे ऐसे अंदर, तो ये ऐसी है देखो, यहाँ पे लगी हुई है फ़ोटो, इसके यहाँ पे भी स्पेस है, यहाँ पे भी स्पेस है, यहाँ पे भी कार्ड होल्डर है ऊपर नीचे, ठीक है, और यहाँ पे जिप दिया हुआ है इन्होंने, तो ये ऐसे। आजकल एक से एक डिज़ाइन चले हुए हैं ऐसे पर्स के, मतलब कंफ्यूज ही हो जाए इंसान कि कौन सा लूँ कौन सा छोड़ूँ। तो मैं भी उनमें से एक हूँ, पर मुझे ये थोड़ा ठीक लगा क्योंकि जैसे चिल्लर विल्लर निकालने हो तो बाहर से ही निकाल लिए, की रखनी हो या कुछ भी रखना हो जल्दीबाजी में तो इसको ही खोल के डाल लिया, अंदर तक खोलने की ज़रूरत नहीं पड़ती। एक ये भी लिया था, इसके ऊपर एक मिरर था छोटा सा, वो अभी अभी टूट गया मुझे लग रहा है। तो ये छोटू सा मैंने इसलिए लिया था क्योंकि जैसे मैं सारांश को स्कूल लेके जाती हूँ तो ज़्यादा पैसे रखने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, तो इसीलिए इसमें रखा और इसको स्लिंग बैग में डाल ली और ले गए। उसके बाद है ये तो पुराना हो चुका है ये भी, और यूज़ भी बहुत ज़्यादा हुआ है क्योंकि ये बहुत पतला है, बिल्कुल पतला सा है, और इसमें कार्ड होल्डर भी बहुत ज़्यादा है, अच्छा पर्स है ये। पर इसमें ऐसा हुआ कि इसकी जिप अब अटक जाती है, इसलिए मैंने इसको भी रिटायर कर दिया है, इसकी छुट्टी है अब। बाद एक मैं अपनी शादी का दिखाती हूँ, ये डिज़ाइन कलर जो भी ये कॉम्बिनेशन है कितना प्यारा लग रहा है ना, ये मेरी शादी के टाइम पे लिया था और इसको मैं शादी वादी में ही लेके जाती हूँ क्योंकि इसके अंदर ज़्यादा नहीं है, एक चेन है और एक ऐसा ही है। इसमें वो चेन थी वो जो ऐसे साइड में हम कैरी कर सकते जिससे, पर वो मैंने हटा दी, वो मुझे अच्छी नहीं लगती चेन। तो ये सिंपल सा ऐसे गोल सा है, तो ये मैंने बहुत संभाल के रखा हुआ है, इसको मैं 2-3 बार ही अभी तक यूज़ किया है 5 साल में, इसलिए ये अभी ठीक ठाक है। उसके बाद स्लिंग बैग, ये मेरा सबसे ज़्यादा यूज़ होता है क्योंकि बहुत ज़्यादा अच्छा, मतलब कलर इसका एक तो सोपर सा है, दूसरा इसमें बहुत ज़्यादा जिप्स हैं, यहाँ पे ये है, पीछे भी है और इस है, ये देखिए फ़ोन रखने के लिए, ये दूसरा पता नहीं क्या पैसे रखने के लिए, और ये अंदर बड़े नोट रखने के लिए। मतलब ये मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, इसमें हमें छोटे छोटे पर्स रखने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है, इसलिए मैं इसी को यूज़ करती हूँ। दूसरा ये है, इसमें भी बहुत सारी जिप हैं भाई, ये फ़ोन रखने के लिए, एक ये है, फिर उसके आगे ये है,
फिर उसके भी आगे ये है, तो ये तो ऐसे बंद होता है और इसमें ये हुक लगे हुए हैं। इसमें जिप नहीं है पीछे, और आगे इतने सारी हैं, पीछे की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। ये वाला भी बहुत ज़्यादा चला है, पर मेरे पास ऐसे स्टाइल में एक ही है, क्योंकि मुझे ज़्यादा अच्छे नहीं लगते हैं ऐसे। मुझे छोटे छोटे स्लिंग बैग अच्छे लगते हैं, इसका कलर भी बहुत प्यारा लगता है। इसमें भी पीछे जिप है, सेंटर में दो पार्टीशन हैं बस। तो ये छोटे मोटे फंक्शन में जाना हो, या फिर मतलब ज़्यादा सामान ना ले जाना हो, तो ही मैं इसको लेके जाती हूँ, बाकी तो इसको मैं नहीं लेके जाती हूँ। ओह, एक छोटू सा पर्स तो रह ही गया, और ये भी मैंने 2 महीने पहले लिया है। इसका भी ऐसा है कि ये कार्ड होल्डर, और ये है एक तरफ, और दूसरी तरफ है ये। इसका भी मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा कि ये 2 पार्टीशन अलग अलग हैं, जैसे छोटे छोटे पैसे, छोटे पैसे मतलब खुले पैसे इधर और बड़े पैसे इधर, मतलब जैसे भी आप लोगों को सही लगे वैसे रख सकते हैं आप। भी लिया है 2 नवंबर में लिया था ये। आपको ऐसे कलर के पर्स मेरे पास बहुत सारे मिलेंगे, क्योंकि मुझे ये कलर तो बहुत अच्छा लगता है, आजकल चला है ना। आजकल चला है कि 1 जिप में ही पर्स आएगा, उसके अंदर आपको वो मिल जाएंगे कॉम्बो। तो ये अंदर से ऐसा है पूरा का पूरा खाली, क्योंकि आजकल चली ऐसे रहे हैं तो वो भी क्या करेंगे। तो मुझे उसके साथ ये कॉम्बो मिला है, इसमें मैं कुछ भी रख सकती हूँ अंदर, जो कि सारांश ने इसका तनी अलग कर दी है। अभी नया ही है, पर सारांश ने इसकी तनी अलग कर दी है, चेन अलग कर दी है, मैं क्या करूँ बताओ। चलो ठीक तो हो जाएगा वैसे ये, पर है अच्छा। वो लिया था इसका, क्योंकि जब ये बड़े पर्स रहते हैं उसमें हम छोटी छोटी, जैसे हमें ज्वेलरी ले जानी है तो हम इसमें कैरी कर सकते हैं, मेकअप कैरी कर सकते हैं। वैसे तो एक मेकअप किट इससे बड़ी 3 का लिया था मैंने कॉम्बो, जिसमें एक ये था और एक ये था, और एक सिंपल ट्रांसपेरेंट है वो मेकअप किट है। इसमें ज्वेलरी वगैरह ले जा लो, और इसमें जो भी छोटा मोटा सामान अपना ले जाना हो ले जा लो। इसको मैंने अभी तक यूज़ नहीं किया है, इसको तो मैंने बहुत बार किया है, बट ये भी मैं बहुत ज़्यादा यूज़ करती हूँ। ये स्लिंग बैग है, इसमें भी पीछे चेन है, आगे 2 डिवाइड पार्टीशन है आगे 2। इसमें भी ठीक ठाक सामान आ जाता है बच्चे के साथ कैरी करना हो तो मोस्टली मैं ये वाला लेके जाती हूँ, या फिर वो जो मैंने छोटा स्लिंग बैग लिया था वो लेके जाती हूँ, ज़्यादा नहीं लेके जाती। इसके बाद है ये बड़ा बैग, ये भी बहुत बड़ा है, इसको भी हो गया 1.5 साल। इसमें अंदर 2 पार्टीशन हैं। इसके बाद आता है ये, तो ये जो संगीता दीदी हैं वो अहमदाबाद गए थे, वो हमारे लिए लेके आए थे, एक रुचि दीदी के लिए एक मेरे लिए। उनका ऑरेंज कलर का है, मेरा पिंक कलर का है। तो उसको भी जैसे सारांश के साथ जाना हो तो उसका सामान हो जाता है, तब कैरी करती हूँ। इसमें भी एक ही चेन जिप है अंदर, एक ही छोटा सा है पैसे वैसे रखने के लिए। वो एक बात और बता रही थी, आज क्या हुआ, एक बहुत अच्छा कमेंट आया है जिसमें मेरी तारीफ हुई है। व्लॉग्स की तारीफ तो वैसे मोस्टली सभी करते हैं, पर मेरी तारीफ आज किसी ने पहली बार करी है, तो वो है विद गीत। उनका भी यूट्यूब चैनल है, वो अपने बेटे की वीडियोस, बच्चे की वीडियोज डालती हैं, बड़ी क्यूट क्यूट सी। उन्होंने बोला है कि उनको मेरी आवाज़ बहुत पसंद है, तो थैंक यू सो मच गीत मेरी तारीफ करने के लिए। क्योंकि ऐसा होता है ना, अगर कोई आपकी तारीफ करता है तो पूरा दिन बन जाता है आपका, तो ऐसे ही मेरा भी बन गया है। तो फिर गाइस, ये था मेरा छोटा सा पर्स कलेक्शन, जिसमें हर तरीके के पर्स। तो फिर मुझे आप ज़रूर बताना आप लोगों को कैसा लगा,
और अगर आपको अच्छा लगा तो मेरे वीडियोस को लाइक करें, मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर करें प्लीज़। आप लोग देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, आपको और अच्छी अच्छी वीडियोज़ मिलेगी देखने के लिए। तो चलिए फिर मैं इस वीडियो को ये एंड करती हूँ।